कैसे पता तुझे? ये पंजे का निशान है ना, मैं देखा है पहले भी। फिलहाल हम निकले हैं कैंपिंग साइट की तरफ। हम थोड़ा रेस्ट किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी बाहर, और धूप में निकलने से काफ़ी ज़्यादा सनबर्न हो जाता है, क्योंकि हिली एरियाज़ में जो सनलाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। इसे थोड़ा आराम किया, और अभी थोड़ा शाम का टाइम है 6 बजे का, तो अभी निकले हैं कैंपिंग साइट की तरफ देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी होगी तो फिर मैं ज़रूर कैंपिंग करूँगा, क्योंकि मैं अभी पहली बार आया हूँ तो डेफिनेटली कैंप करना चाहूँगा। बाकी अभी चलते हैं फिलहाल कैंपिंग साइट की तरफ। मिल जाएगा कितना रेट है? हाँ, सिंगल क्या क्या रेट है टेंट का? सोलो बंदे के लिए 500 सही है, नॉट बैड। दो रुक सकते हैं, दो बंदे रह सकते हैं उस टेंट में, 500 ही लेंगे टेंट का चार्ज। सही है, अफोर्डेबल। तो ये वाला जो टेंट है ये दे रहे हैं ये 500 में, इसमें एक बंदा आराम से रह सकता है। बाकी ये सोने के लिए भी चीज़ें देंगे, जैसे कि इसमें इन्होंने दे रखा है शायद, ये वायरिंग भी मुझे दिख रही है चार्जर, बाकी इसमें पिलो और ये कंबल वगैरह भी दे रखा है, और व्यू कुछ ऐसा है। तो अभी फ़िलहाल हम गुरेज के बडविन कॉलोनी एरिया में खड़े हैं, और यहाँ पे चारों तरफ मुझे केवल कैंप्स ही कैंप दिख रहे हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट है यहाँ पे। 400 to 500 में वन नाइट स्टे आराम से मिल जाएगा आपको। आपने देखा कि मैंने पूछा जो लोग टेंट लगा रहे थे, 500 इन्होंने बोला, और कुछ जगह पे 400 का भी मिल रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये आपको कंबल देंगे और सोने के लिए पिलो देंगे, बाकी अच्छे से टेंट में मैंने कुछ में चार्जिंग पॉइंट्स भी देखे तो वो भी मिल रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दी आइडियल प्लेसेस फॉर कैंपिंग, आई कैन से दिस। बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इट्स नॉट ओवर क्राउडेड, बट हाँ फिर भी अच्छे खासे लोग हैं। अब दूसरी तरफ भी देख सकते हैं वहाँ पे कितने ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं, एंड दिस प्लेस इज़ कैंपिंग फ्रेंडली। जैसा कि ऐसा नहीं है कि आपको अपना कैंप लाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैंप मिलेगा, एंड मैं या तो आज शाम को या तो कल शाम को 15th को मैं यहाँ पे कैंप करूँगा, मे बी 1 या 2 दिन के लिए, आई लेट यू नो। अभी फ़िलहाल मैं डैम की तरफ चल रहा हूँ, आगे आपको डैम भी दिखाता हूँ कि डैम यहाँ। आज का प्लान ये है कि मैं स्टे आज भी कैंप में ही करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल गया ये 400 का कैंप यहाँ पे, मतलब दो लोगों के लिए हो गया है। मेरे साथ इरफान भी स्टे करेगा, वरना सोलो कैंप अगर आपको करना है तो फिर 400 ईजिली आपको मिल जाएगा। बाकी अभी हम इसके घर पे हमारा सामान है तो वो थोड़ी दूर पे है, तो फिर हम वहाँ जाएंगे, और यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइट्स वगैरह दे रखी हैं इन्होंने, और यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं प्रॉपर, और कैंप के लिए अच्छे खासे लोग हैं इधर, तो डेफिनेटली दिस एन आइडियल प्लेस। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं डैम देखने के लिए, वरना शाम हो जाएगी और सामान भी लेके आना है यहाँ पे, तो फिर चलते हैं डैम की तरफ। निशान देख रहा है ये बालू के? कैसे पता तुझे? ये पंजे का निशान है ना, मैं देखा है पहले भी। शाम को अगर ये आए तो यहाँ भालू भी आता है। हाँ ये रहे ना, ये हाँ
इंसान के तो नहीं हो सकते, और ये हाँ ये भी है गाय वाय के भी, गाय के ही रहे। हाँ गाय का ये कहाँ होता है, गाय के पास ये नहीं होता है। बाकी यहाँ से कैंपिंग साइट इतनी ही दूर है, तो ये कैंप वालों को नहीं भालू अटैक करते हैं, ये वो खेतों में जाते हैं ना वो ज्यादा। यहाँ तो खेत है भी नहीं, मेरे पीछे जो आप रिवर देख रहे हैं ये किशन गंगा रिवर है। रिवर का जो पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली, और ये डैम थोड़ी ही दूर पे है तो यहाँ पे रास्ते नहीं है, काफ़ी मार्शी एरिया है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। बाकी जो पानी है ये डैम का ही पानी है, यहाँ पे स्टोर्ड है और थोड़ी ही दूर पे कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो हम वहीं जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल इरफान के घर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लगेज लेके आएंगे और कैंप में शिफ्ट होंगे, तो आपको कैंप का नाइट व्यू भी दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि यहाँ लाइट्स भी पूरी हैं विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो फ़ोन चार्जिंग की भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम टेंट में आ चुके हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, शोर भी कर रहे हैं लोग। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली बार। अभी सब लोग इधर खड़े हैं क्योंकि वहाँ पे आर्मी की गाड़ी है उधर दूर पे, वो वहाँ पे भालू भगा रहे हैं, दो भालू आ गए थे कैंपिंग साइट के पास ही, यहाँ बहुत नॉर्मल है, मैंने भी देखा और हमें अभी भी लाइट से दिख रहा है, बट ये अभी शायद कैमरे में नहीं आ रहा है, बट अभी भी मुझे दिख रहा है वो दो भालू हैं, वो आर्मी की गाड़ी है जो दूर वहाँ पे दिख रही है।